बिहार है बिहार, यहाँ लड़कियों की औकात बस इतनी होती है, लड़कियों को आगे बढ़ने का कोई हक नहीं होता। प्रियंका गुप्ता के साथ हो गया धोखा, फूट फूट कर रोई, काम भी बंद किया जाने पूरा मामला। राजधानी पटना में कुछ महीने पहले विमेंस कॉलेज के पास ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से प्रियंका गुप्ता ने स्टॉल लगाकर खूब सुर्खियां बटोरी। इसके बाद यहां से उन्होंने अपने स्टॉल को शिफ्ट कर लिया और वो बोरिंग रोड चली गई। फिर अन्य जगह भी स्टॉल खोला। बीच में कुछ दिनों पहले पटना नगर निगम ने उनके ठेले को भी हटा दिया था, जिसके बाद वे लालू प्रसाद यादव के पास तक पहुँच गयी। अब फिर ऐसा कुछ हुआ है कि उन्होंने काम ही बंद करने का फैसला कर लिया है। सोमवार को प्रियंका गुप्ता का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो फूट फूट कर रो रही है। प्रियंका ने रोते हुए कहा, आप सब तो मुझे जानते ही होंगे, ग्रेजुएट चाय वाली, सो कॉल्ड ग्रेजुएट चाय वाली, हद भूल गए थे हम अपनी। मुझे लगा था कि हम बिहार में कुछ अलग कर रहे थे, अभी तो आप लोग सपोर्ट कर रहे थे ना, लेकिन हम अपनी हद भूल गए थे कि ये बिहार है बिहार, यहाँ लड़कियों की औकात इतनी होती है कि बस वो लोग किचन तक सीमित रहे, होना भी चाहिए, लड़कियों को आगे बढ़ने का कोई हक नहीं होता है। प्रियंका ने वीडियो में रोते हुए आगे कहा, यहाँ पटना में बहुत सारा ठेला लगता है, पटना में अवैध तरीके से बहुत काम होता है, शराब बेची जाती है, लेकिन वहाँ सिस्टम एक्टिव नहीं होता है, कोई लड़की अपना व्यवसाय कर रही है तो उसको बार बार परेशान किया जाता है, हद भूल गए थे ना हम अपनी, मेरी औकात बस चूल्हा चौका तक है, शादी करके बस अपने घर जाना, बिजनेस करना तो अधिकार ही नहीं है। वीडियो में प्रियंका ने कहा, जब मुझे लगा कि नगर निगम के कमिश्नर सर से परमिशन मिला है कि हम कुछ दिनों के लिए यहाँ ठेला लगा सकते हैं, तो बार बार मेरा स्टॉल क्यों उठा लिया जाता है, हम हार मान गए सिस्टम से, जिन जिन ने हम लोगों का फ्रेंचाइजी बुक किया है हम उनको पैसा वापस करने जा रहे हैं, कंपनी बंद करने जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं वापस, थैंक यू नगर निगम। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जनता ने प्रियंका के बारे में क्या कहा, आइए बताते हैं। जॉय विक्रम नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, अतिक्रमण करना कहाँ की समझदारी है, लाखों कमा रही है तो एक दुकान किराए पर क्यों नहीं ले सकती है, महिला है तो विक्टिम कार्ड खेलना जरूरी है क्या। दैनिक भास्कर से जुड़े पत्रकार राजेश साहू ने ट्वीट किया, ये बिहार ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता है, नगर निगम ने ठेला जब्त कर लिया, ये बेहद दुखद है, सरकार की आत्मनिर्भर बनाने की बात सिर्फ ढोंग है, वो चाहते ही नहीं कि महिलाएं आगे बढ़े, प्रियंका हम साथ है, इन्हें आपका ठेला आज ही वापस करना पड़ेगा, तेजस्वी यादव सर आप कुछ करिए। प्रकाश कुमार नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, ये बिहार है, ग्रेजुएट चाय वाली का ठेला फिर हटा दिया गया है, कह रही है कि ये बिहार है ये बात भूल गई थी, नगर निगम पर आरोप लगाया है, कुछ महीने पहले विमेंस कॉलेज के पास से शुरुआत की थी, इसके पहले भी ठेला हटाया गया था, सुनिए क्या कह रही है। पेशे से वकील राहुल कुमार ने ट्वीट किया, अजब नौटंकी है, बहुत मौके दिए गए, जब पैसे आ रहे हैं तो फिर कानूनन रूप से अनुमति लेने में क्या प्रॉब्लम है, रो करके सहानुभूति मिल सकती है लेकिन इससे होगा क्या, अच्छा अब दलील भी ऐसी कि रोज मर्डर हो रहे हैं, एक मैंने कर दिया तो क्या, ग्रेजुएट हो तो थोड़ी अक्ल भी लगाओ। सोशल मीडिया पर वायरल ग्रेजुएट चाय वाली के इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल न्यूज आप तक पहुंचती रहे।